हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो? तो अभी तक अपन 6-11 चैप्टर सिमिलैरिटी में दो थ्योरम पढ़ चुके थे, सिमिलैरिटी बेस्ड दो थ्योरम अपन कर चुके थे। उसके आगे अपने को पढ़ना है, और उससे पहले क्लासेस कैसी लगती हैं इसका फीडबैक अभी आपने देना स्टार्ट नहीं किया, उसका फीडबैक देना जरूर स्टार्ट कीजिएगा। कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आपके साथ ही ये पॉसिबल है कि आप जैसा चाहेंगे आपके साथ ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अदरवाइज़ कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। चलिएगा, अब करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास 11.2 एक्सरसाइज नंबर 11.2 थेल्स थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे। देखते हैं क्या है जो एक्सरसाइज है उसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ पॉइंट डी एंड ई ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इट मीन्स एक ट्राइंगल बनना है। ए बी सी, ए बी एंड ए सी पर, ए बी एंड ए सी पर डी एंड ई पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड ए बी एंड ए सी इन अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई और बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन इफ, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। ए सी मुझे मेजर करना है। देखिएगा, जब जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, थेल्स थ्योरम इन दिस फिगर यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हम यूज करते हैं, क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। सबसे पहले ये रेशियो निकालना पड़ेगा, बाद में देखते हैं क्या होता है। ए डी का वैल्यू मुझे 6 सेंटीमीटर मिला हुआ है, 6 अपॉन बी डी का वैल्यू, डी बी का वैल्यू 9 मिला हुआ है, इज इक्वल टू ए ई का मुझे 8 सेंटीमीटर मिला हुआ है, ए सी का मुझे अभी नहीं मिला हुआ, तो ई सी मुझे पहले निकालना है। देयरफॉर ई सी इंटू 6, ई सी इंटू 6 ई सी मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 9, ई सी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, ई सी मिला मुझे 12। बट देखिएगा, क्वेश्चन ने ए सी पूछा है, तो ए सी का मतलब ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ए मुझे मिला हुआ ऑलरेडी से 8 सेंटीमीटर, प्लस ई सी मिला हुआ है मुझे 12 सेंटीमीटर, अपना हो चुका है 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के सेकंड पार्ट पे। देखते हैं जो सेकंड पार्ट है वो क्या है। देखिएगा सेकंड पार्ट, फिगर मेरा वही रहेगा पहले वाला जैसा। क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, इफ ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 4 अपॉन 13 एंड ए सी, एंड ए सी इज इक्वल टू 20.4 फाइंड लेंथ ऑफ ई सी, ई सी का दिया हुआ है। देखिएगा, ट्राइंगल फिर से एक बार बना देता हूँ आपके लिए। ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी, क्वेश्चन कह रहा है कि डी ए इसके पैरेलल है, डी
साथ में कह रहा है ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू दे रखा 4/30 रेशियो दे रखा ऑलरेडी, और ए सी मुझे दिया हुआ है, ए से सी तक पूरा लेंथ दिया हुआ है। तो देखिएगा जब भी पूरा लेंथ अगर क्वेश्चन देगा तो कैसे निकालना है, सबसे पहले इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिएगा ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू कितना देगा 4x + 13x। लेट ए डी इज इक्वल टू 4x करना है और बी डी इज इक्वल टू 13x। क्यों है 4/13 जो रेशियो है वो हमेशा रिड्यूस होने के बाद मिला हुआ है मुझे। 4/13 कहाँ मिला हुआ है, रिड्यूस होने के बाद मिला हुआ है। तो देखिएगा ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू 17x, 17x हो गया ना। अब जिस भी रेशियो के लिए कहता है वो रेशियो निकाल सकते हैं। ए बी मुझे कितना मिला है 17x, ए सी मुझे दिया हुआ है 20.4। अगर ये साइड पूरा देगा तो इस साइड को पूरा लेंगे। याद रखिएगा थेल्स थ्योरम के कन्वर्ज में हमने यूज किया था इन साइड कंप्लीट को। एंड आगे दिया हुआ था ए डी इज इक्वल टू 4x, बी डी इज इक्वल टू 13x। जिस भी साइड को यूज करना है, निकालना है मुझे ई सी, निकालना है मुझे ई सी, ई सी फाइंड करना है। तो देखिएगा ए बी कैपिटल साइड इधर का अपॉन में इसी के कंपैरिजन में साइड कौन सा मिला हुआ है मुझे बी डी, ए डी अपॉन बी डी, सॉरी ए बी अपॉन बी डी इधर का कैपिटल अपॉन में ये वाला छोटा साइड। इसी तरह ए सी अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। तो देखिएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी का मुझे मिला हुआ है 17x अपॉन बी डी मुझे मिला हुआ है 13x इज इक्वल टू ए सी मुझे मिला हुआ है 20.4 अपॉन नेक्स्ट था ई सी, ई सी मुझे फाइंड करना है, इसको मैंने रख लिया। देखिएगा x से x रिड्यूस, ई सी इंटू 17, ई सी इंटू 17 इज इक्वल टू 13 × 20.4। देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू 20.4 मल्टीप्लाई बाय 17, सॉरी 13 अपॉन 17। तो देखिएगा पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में 10, 17 × 17 बस ये अपने पास 3, 17 × 32, 12 × 13 अपॉन 10। पहला तरीका अपना ये था। अब देखते हैं दूसरे तरीके की बात, देखिएगा दूसरा तरीका क्या होगा करते हैं अपन। आइए दूसरा जो तरीका है उसमें अगर सोल्व करना हो मुझे, दूसरे तरीके को अगर सोल्व करना हो मुझे तो कैसे करेंगे देखिएगा। अल्टरनेट मैंने सबसे पहले सीखा है ए डी अपॉन बी डी निकालना इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये मेरा थेल्स थ्योरम कहता है। और उसका कन्वर्स जब प्रूव करते थे दोनों साइड में कितना ऐड करते थे, 1 ऐड करते थे, तो अपन ने दोनों साइड में 1 ऐड किया, एलसीएम कितना हुआ बी डी, तो बी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी और अपॉन में ई सी, बी डी प्लस ए डी। तो देखिएगा बी डी और ए डी का वैल्यू ए डी अपॉन बी डी, यहाँ ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू रखते हैं तो ए डी की बी डी की वैल्यू है 13, ए डी की 4, तो 13 + 4/13 इज इक्वल टू ए ई का नहीं पता ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या बना ए सी 20.4 अपॉन ई सी। देयरफॉर 13 + 4 = 17/13 इज इक्वल टू 20.4 अपॉन ई सी। देखिएगा अब ई सी इज इक्वल टू 20.4 × 13/17, क्वेश्चन वहीं सोल्व होगा, वहीं जाना है, सेंटीमीटर में मेरा आंसर होगा। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है जरा देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपना जो थर्ड पार्ट है वो सुनो जरा। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर थर्ड सुनिएगा, थर्ड पार्ट। AD upon BD इज इक्वल टू 7/4 एंड A इज इक्वल टू 6.3। तो फाइंड करना AC। AC फाइंड करने से पहले देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास ये ट्राइंगल है मेरा ABC, ABC, ये है DE, पैरेलल था। AD upon BD ये रेशियो मुझे दिया हुआ है, इसके साथ में AE ये ऊपर का साइड दिया हुआ। अगर EC निकाल दूं, AC निकालना, तो मुझे AE प्लस EC कर दूंगा। तो देखिएगा, AD upon BD इज इक्वल टू AE upon EC। AD upon BD देखिएगा, अगर आप चाहते हैं सीधा AC निकालना, तो मुझे EC निकालना है। सबसे पहले मेरे पास EC अगर मिल गया तो काम चल जाए मेरा, लेकिन EC है नहीं, तो EC निकालना पड़ेगा मुझे। AD का वैल्यू, AD upon BD का वैल्यू 7/4, 7/4 इज इक्वल टू AE का वैल्यू 6.3 अपॉन EC। देयरफॉर EC इज इक्वल टू 4 × 6.3 अपॉन 7। पॉइंट हटाएंगे तो 10, 7×9=63। EC इज इक्वल टू 36/10 इज इक्वल टू 3.6 एंड मैंने निकालना था AC। AC इज इक्वल टू AE प्लस EC। AE का वैल्यू मेरे पास 6.3 प्लस EC का वैल्यू 3.6, तो 9.9 सेंटीमीटर मिला। ये है मेरा AC। इसका लास्ट पार्ट मैंने और कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट पार्ट दिया हुआ है AD इज इक्वल टू 4x-3। AD इज इक्वल टू 4x-3। AE इज इक्वल टू 8x-7। BD इज इक्वल टू 3x-1 एंड CE इज इक्वल टू 5x-3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है, फिर बाद में सारे साइड फाइंड करना है। देखिएगा, ये फिगर देखा, इसमें AD upon BD इज इक्वल टू AE upon CE होगा, यूजिंग थेल्स थ्योरम। देखिएगा, थेल्स थ्योरम यूज करेंगे तो होगा AD upon BD इज इक्वल टू AE upon EC। देयरफॉर AD की वैल्यू 4x-3 अपॉन BD का वैल्यू 3x-1 इज इक्वल टू AE का वैल्यू 8x-7 अपॉन EC का वैल्यू है 5x-3। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब करते हैं। 4x-3 को 5x-3 से करना है, इज इक्वल टू 3x-1 को 8x-7 से करना है। मल्टीप्लाई नहीं आता तो बहुत जल्दी 9th की क्लासेज जो शुरू करने वाले हैं, 9th क्लास से जो होंगी उसके अंदर ये मल्टीप्लाई अपन सीखते हैं, उसके अंदर से आपको सिखा दिया जाएगा। बट अभी इस कंटिन्यू क्लास के अंदर मल्टीप्लाई सिखाना पॉसिबल नहीं होगा, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। अगर जिसको कहीं प्रॉब्लम हो, प्लीज़ 9th के एक बार वीडियोस को जरूर देखना। 4x × 5x 20x². 4x × -3 -12x 3×5x -15x 3×3 -3 9 इज इक्वल टू 3×8=24x². 3×7=21x 8×1=8x −(−) + और 7×1=7। तो देखिएगा, यहाँ माइनस इंटू माइनस ये भी हो गया, प्लस
सभी को एक साइड कर लें तो देखिएगा 20x² माइनस 24x², एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस का होगा, माइनस 12x माइनस 15x, ये तो यहीं था, प्लस का 21x प्लस का 8x प्लस का 9 माइनस का 7 और इज इक्वल टू में 0। 21 और 24 में से देखेंगे तो माइनस के 4x², आगे देखिएगा 21 प्लस 8 29, ये बना 15 प्लस 12 27 प्लस का 2x और प्लस का ही बचा 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, 2 में माइनस कॉमन ले लूँ तो बेटर रहेगा। देखिएगा माइनस 2 कॉमन आ गया तो 2x² माइनस कॉमन आते यहाँ माइनस एक्स और यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयर फॉर 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत तरीके हमने आप सीखे थे पहले और इससे पहले की क्लासों में सीख चुके हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के अपने पास जनरली तीन मेथड होते हैं, फैक्टराइज मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइज मेथड। तो देखिएगा सबसे पहले इसको फैक्टराइज मेथड से सोल्व किया जाए, मल्टीप्लाई करें 2 मिले, जोड़े का टाइम 1 मिले, तो यहां लिखता हूं 2x² माइनस का 2x और प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए अपने, मतलब फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में से 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस यहां से कुछ नहीं बचा 1 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 अपॉन 2, यही मेरे दोनों आंसर हैं। हुआ इजी क्वेश्चन, चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, फर्स्ट था जिसके चार पार्ट थे, चारों पार्ट हमने सोल्व कर दिए हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जरा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट डी एंड ई सेम एज इट इज है, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। और क्या कह रहा है पहले एक बार क्वेश्चन सुन तो लीजिएगा, पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वहीं ए बी और ए सी पे दो डी और ई पॉइंट दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ गिवन बिलो स्टेट वेदर डी ई पैरेलल टू बी सी और नॉट, डी ई बी सी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा ये बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो ट्राइंगल बताना था क्वेश्चन नंबर सेकेंड पहले, तो वहीं ट्राइंगल एक बनाते हैं ए बी सी और क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। अब डी ई पैरेलल टू बी सी होने के साथ साथ इसमें कह रहा है कि चार पार्ट दिए हुए हैं। देखिएगा ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। देखिएगा जब भी आपको ऐसा कोई रेशियो दे दे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, थेल्स थ्योरम। क्वेश्चन कह रहा है कि ये और ये साइड पैरेलल है कि नहीं है ये प्रूव करना, अगर पैरेलल होगी तो थेल्स थ्योरम को प्रूव करेगी, अगर नहीं होगी तो थेल्स थ्योरम को प्रूव नहीं करेगी। यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम यूज करते हैं अगर उसे सेटिस्फाई कर रही है तो पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। थेल्स थ्योरम होगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये दिया। अब देखिएगा ए डी नहीं मिला मुझे, ए ई मिल गया, ए डी और ए ई दोनों मिल चुके हैं, ऊपर के दोनों मिल चुके, ए बी नीचे बी डी ना हो कि क्या है ए ई है। तो देखिएगा अब मुझे
ए बी पूरा मिल गया वहां से और ए डी दिया हुआ है तो बी डी निकाल सकते हैं। बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी। बी डी अगर निकालना है मुझे तो इतने बड़े में से ये घटा दूंगा तो ये साइड बच जाएगा। तो देखिएगा ए बी माइनस ए डी, ए बी कितना है 12 - 8, 12 - 8 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ई सी निकालना है मुझे, ई सी या सी ई, सी ई इजल टू ए सी माइनस ए ई। ए सी मुझे मिला हुआ है 12 सेंटीमीटर माइनस ए ई मिला हुआ है मुझे, सॉरी ए सी मिला हुआ है 18 सेंटीमीटर, ए ई 12, 18 - 12 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिएगा वैल्यू पुट करते हैं, ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 12 और ई सी इजल टू 6, 4 - 4 = 4, 4 - 2 = 8, 6 - 6 = 6, 6 - 2 = 12। इट मीन्स 2/1 इज इक्वल टू 2/1, रेशियो इक्वल मिले। हियर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। अगर ये इक्वल है सो देखिएगा जब रेशियो इक्वल मिल रहा है, इट मीन्स ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। इट मीन्स डी ई पैरेलल टू बी डी, यही मेरा यही प्रूव करना था कि ये प्रूफ पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल होगी तो दोनों रेशियो मेरे इक्वल होंगे, अगर पैरेलल नहीं है तो मेरे दोनों रेशियो इक्वल नहीं होंगे। इसके जितने भी पार्ट बचे हैं थोड़ा सा लगाने की कोशिश कीजिएगा, जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम हो मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में या जब भी आप कमेंट कर रहे होंगे उसके बाद की वीडियोज में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन थर्ड क्या है जरा देखते हैं, सुनिएगा। इन फिगर 11.16 में फिगर कुछ किस तरह से दिया हुआ है देखिएगा। ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है, तो दिया हुआ है ए बी सी, यहां सेंटर ओ है और देखिएगा ए बी के पैरेलल दिया हुआ है एल एम, ए बी के पैरेलल कह रहा है एल एम, बी सी के पैरेलल कह रहा है एम एन और एक साइड दे रहा है एल एन। सुनिएगा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो पहले। इन फिगर 11.16 एल एम एंड एन आर सिचुएटेड इन, एल एम एंड एन आर सिचुएटेड ऑन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ओके रेस्पेक्टिवली, सच दैट एल एम पैरेलल टू एल एल एम जो है किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है एंड एम एन पैरेलल टू बी सी, ये दोनों साइड दिया, शो दैट एल एन पैरेलल टू ए सी। तो देखिएगा थ्योरम है तो अपना प्रूव करना पड़ेगा। गिवन दैट, गिवन दैट मुझे क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, उस ट्राइंगल में एल एम पैरेलल टू ए बी एंड एम एन पैरेलल टू बी सी। दो साइड मुझे एक पैरेलल दी हुई है, दोनों साइड मैंने लिख दी है, ठीक है, एंड एल कोमा एम कोमा एन आर सिचुएटेड ऑन ओ ए कोमा ओ बी कोमा ओ सी, बता दिया हमने। अब देखिएगा प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है मुझे, एल एन पैरेलल टू ए सी, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन है नहीं, अपना लास्ट पॉइंट प्रूफ बचा है, देखिएगा अपन इसको प्रूव करते हैं जरा इजी तरीके से कम मुश्किल तरीका यूज नहीं करेंगे हम। देखिएगा इजी तरीके से अगर सोल्व करें तो अब तक हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को अगर यूज करें तो थेल्स थ्योरम देखिएगा, यूजिंग ट्राइंगल
AOB, सबसे पहले थेल्स थ्योरम यूज करने से पहले बताते हैं कि कौन से ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल AOB, LM पैरेलल टू AB, LM पैरेलल टू AB है, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या होगा, देखिएगा, OL अपॉन AL इज इक्वल टू OM अपॉन BM, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिएगा ये रेशियो OL अपॉन में AL इज इक्वल टू OM अपॉन में BM, दोनों रेशियो इक्वल होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन अ ट्राइंगल BOC, BOC में क्या दिया हुआ है मुझे, MN पैरेलल टू BC, MN और BC मुझे पैरेलल दिया हुआ है, MN BC के पैरेलल है, MN और BC पैरेलल है, तो OM अपॉन में BM, OM अपॉन में BM बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। OM अपॉन BM इज इक्वल टू ON अपॉन NC, ON अपॉन NC, इक्वेशन नंबर सेकंड। जो हमें गिवन था उसी को यूज करके हमने आगे काम किया है। अब देखते हैं, देखिएगा यहां से फर्स्ट इक्वेशन है OM अपॉन BN और सेकंड इक्वेशन है OM अपॉन BN, दोनों में कॉमन है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, बीच में ये कॉमन आ रहा है तो फर्स्ट और लास्ट पार्ट इक्वल होगा, OL अपॉन AL इज इक्वल टू ON अपॉन NC, ON अपॉन NC जो इक्वल मिला है वो कहाँ इक्वल मिला है, देखिएगा OL अपॉन AL, OL अपॉन AL इज इक्वल टू ON अपॉन NC, ON अपॉन NC, इट मीन्स एक ये ट्राइंगल AOC, देखिएगा द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल AOC आर इक्वल, ये रेशियो इक्वल मिला, सो बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम LN पैरेलल टू AC, LN किसके पैरेलल होगा, AC के, और क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों साइड का रेशियो हमें इक्वल मिला है। चलिएगा आज की क्लास में यही क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में लगाते हैं। मुझे बताइएगा जरूर आपको मेरी क्लासेस की वीडियो कैसे लगते हैं। चलिएगा गाइज, थैंक यू, जय हिंद, लाइक जरूर कीजिएगा।